इस समय हम मौजूद हैं आगरा के चमकते हुए ध्रुव यानी ध्रुव जुरेल के साथ, जिन्होंने अभी एशिया कप जीतकर इंडिया टीम का नाम रोशन किया है। ये अंडर 19 इंडिया टीम के कप्तान हैं और आज हमसे रूबरू होते हैं। सर, आज आप अभी तक गली मोहल्ले में खेल रहे थे, आज आप अंडर 19 इंडिया टीम के कप्तान हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? एक्चुअली मेरे लिए मोहल्ले की बात नहीं है, मैंने कोचिंग लिया 6 साल से, मैं इस लाइन में प्रोफेशनल हूँ, तो अच्छा फील हो रहा है क्योंकि एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि कैप्टनशिप की अपने कंट्री की, और उसके लिए फर्स्ट टाइटल एज अ कैप्टन, बिकॉज आई वाज कैप्टनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली टाइम मैंने कैप्टनशिप में टाइटल एशिया कप, हमारे 7th टाइटल था, हम रिटेन किया, लास्ट ईयर भी जीते थे, इस साल भी जीते, तो अच्छा लगा। कल तक आप आम लोगों की तरह क्रिकेट खेलते थे, आज आप टीम का हिस्सा हो गए, तो कैसा लग रहा है? यानी मेरा कहने का मतलब, आप अब तक खेल रहे थे, अब आप टीम इंडिया का हिस्सा हो गए, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? न्यू फीलिंग ही होती है क्योंकि स्टेट चेंज होता है, डिस्ट्रिक्ट चेंज होती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जाते हैं, स्टेट वाइज जाते हैं, तो न्यू फीलिंग है कि तुम अपनी इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसी तरीके से हम खेलना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ पर लोगो लगाते हैं BCCI का, जो इंडिया रिप्रेजेंट करता है, इंडिया क्रिकेट में हर वर्ल्ड में ऑलमोस्ट टॉप 5 में रहती है, तो एक अच्छी बात है कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक न्यू फीलिंग है। आज की क्रिकेट में और अब तक जो क्रिकेट खेला उसमें कितना अंतर मानते हैं? अंतर कुछ नहीं होता, अंतर होता है बस अपने माइंडसेट, क्योंकि खेलते स्किल लेवल सबका सेम होता है, बस जो उस मोमेंट पे अपना माइंडसेट सेम करके या चेंज करके जो भी करता है उसका होता है, एक ट्रिगर मोमेंट होता है हर एक प्लेयर का, जो सक्सेस हो जाता है वो ऊपर पहुँच जाता है, जो नहीं हो पाता वो ट्राई करता रहता है। आज आप एशिया कप जीत कर लाए हो, अब तक आप पहले जहाँ खेलते थे गली मोहल्ले में या एकेडमी में, तो वो आपको अच्छा लग? अच्छी की बात नहीं क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेट को मैंने मतलब पूरी लाइफ दी है, तो मैं कहीं भी खेलूँ तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं कि नया मैच है इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, मैं हर एक मैच हर एक इंटेंशन से खेलता हूँ, सेम इंटेंशन से। आपको इस ऊंचाई पर पहुँचाने के लिए आप किनका सबसे सर्वाधिक योगदान मानते हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो सर हैं, जो मैं बचपन में जाया करता था, तो वो स्कूल से डायरेक्ट मतलब व्हीकल में चलाना पापा अलाउ नहीं करते थे, तो सर हमेशा लेके आते थे, छोड़ जाते थे, लेने आते थे, तो इनका ही सबसे बड़ा जो हेल्प थी सर की थी, और आफ्टर दिस पेरेंट्स जिसने बहुत सपोर्ट किया। मतलब आज की जीत का श्रेय जो आप इससे जीत पाए वो किन का देना चाहते हैं? कोच साहब का, जिसमें हमेशा की अप एंड डाउन बहुत आए थे लाइफ में, लेकिन कभी कभी मैं शैटर्ड भी हुआ कि अच्छा नहीं लग रहा, फील हो रहा है, नहीं हो रहा, उन्होंने समझाया कोई दिक्कत नहीं, टाइम आएगा, तो वो बहुत हेल्प किया इसी में। तो आज हमारे साथ उनके कोच भी मौजूद हैं, जो इनसे हम वार्ता को यहाँ तक पहुँचाने में किस प्रकार की मेहनत की। सर, आज आपका एक खिलाड़ी जिसको आपने तैयार किया, आज वो एशिया कप जीत के आया है, अंडर 19 टीम का हो रहा है, इसमें आपकी मेहनत किस प्रकार रही, क्या लग रहा था कि आपका एक खिलाड़ी वहाँ तक पहुँचे? मैं सभी खिलाड़ियों के लिए मेहनत करता था, लेकिन ध्रुव कुछ अलग ही करता था, छोटा था तो मैं इसको लेने आता था, तो पीछे मंदिर से मैं अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाता था, बैग लेके छोटा तो भगता तो मुझे वहाँ मिलता था ये, तो इसने छोटे से इतना अपना प्रैक्टिस के प्रति इतना ध्यान रखता था, एक दिन भी मिस ना हो जाए, जैसे मैं कभी भी थोड़ा लेट हो जाता तुरंत कॉल करेगा, मैं जैसे फिर भूल गया फिर कॉल करेगा, तो इसका तो हमेशा क्रिकेट पर इतना ध्यान रहा है, ये छुट्टी वाले दिन भी मुझे लेने आता था, सर प्रैक्टिस करेंगे, इसने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा फोकस किया, सबसे ज़्यादा मेहनत की है, तो मैं नहीं, मेरे अकेडमी के जितने लोग आते थे वो कहते लड़का एक दिन आपको इंडिया खेलेगा, तो इसके बारे तो हम शुरू से ही पता था कि इंडिया खेलेगा, और इसने बहुत गौरव के लिए कोई गौरव बात नहीं है कोच के लिए जो ध्रुव ने किया है, और मुझे आने वाले समय की पता है, ध्रुव आने वाले समय इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलेंगे और वर्ल्ड कप जिता के लाएंगे, कैप्टनशिप भी करेंगे, फिर जल्दी से जल्दी आपको सीनियर टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे ध्रुव। हमारे माध्यम से आप अन्य खिलाड़ियों के लिए ध्रुव की तरह और क्या संदेश देना चाहते हैं? ध्रुव प्रेरणा है आगरा के लोगों के लिए, मेरी अकेडमी के लिए प्रेरणा है, और आने वाले फ्यूचर बच्चे क्रिकेट सीख रहे हैं उनके लिए प्रेरणा है कि ध्रुव ने करके दिखाया कि कोई क्रिकेट के लिए वहाँ ऊपर से नहीं आते, आप मेहनत करोगे, सही मेहनत करोगे, कोच की गाइडलाइन जो कोच बोल रहा है वो कर सीख देखोगे,
करोगे, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको मुकाम हासिल होगा। और ध्रुव ने वो करके दिखाया है। ध्रुव अंडर 14 में पहली 14 में बोट ट्रॉफी सेकड़ा किया इन्होंने। 16, 19 के इसने चैलेंज ट्रॉफी अंडर 19 ब्लू की तरफ से खेले थे, खुद के साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल चुके हैं। इस बार इससे पहले एशिया कप से पहले इन्होंने किया, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन कराया, कैप्टनशिप की और अपनी इंडिया के लिए एशिया कप पुनः जिताया है। इससे बड़ा गौरव अधीन नहीं है कोच के लिए जो ध्रुव ने मेरे को दिया है। तो ये थे हमारे साथ ध्रुव और उनके कप्तान, जिन्होंने एशिया कप की जीत पर जश्न मनाते हुए कहा और सभी खिलाड़ियों को ध्रुव से प्रेरणा लेने की अपील की। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।